YDF एक बहुत ही वेल कंसीव्ड और वेल थॉट आउट प्रोग्राम है। ये सिर्फ यूथ एंगेजमेंट के लिए नहीं है बल्कि इसने बहुत अच्छी यंग लोगों को कैरियर प्रोग्रेशन भी दी है। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फलसफा खुदी और तफक्कुर का आईना दार यंग डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम उकाबी निगाहों के हामिल नौजवानों के लिए कौमी सतह पर कायदाना किरदार की तैयारी में पेश है। This project shows the interest of government in the development of youth of Pakistan. This is where policies are formulated. This is where for the masses of Pakistan are thought about. YDF program will provide me with a platform where my voice can be listened and can reach the higher ups. Young Development Fellowship program ka aagaaz 2014 mein hua tha aur is program se tarbiyat paane wale basalahiyat afraad aaj Pakistan ke har shobay zindagi mein policy saazi, faisla saazi और मेगा प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं। I work as the coordinator to the Chief Minister Gilgit-Baltistan. I'm currently working as a lecturer at University of Adelaide, Australia. I'm working as an economics advisor with Save the Children here in the UK. तरबियत पाने वाले तकरीबन 200 यंग डेवलपमेंट फेलो आज कामयाबी की आला मिसाल बन चुके हैं। बदकिस्मती से 2018 में YDF बंद कर दिया गया था। ताहम वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक प्रोफेसर एहसन इकबाल की जेरे निगरानी यंग डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम दोबारा शुरू किया गया है और कम्पेटिटिव प्रोसेस के बाद टॉप कैंडिडेट्स का इंतखाब किया गया है। Wanted to observe how policies are formed and debated and approved. चीजें इकोनॉमिक्स हम थियोरेटिकली पढ़ते थे वो हम अब यहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे। इन शाहीन सिर्फ नौजवानों को एक साल तरबियत के दौरान अपने सीनियर्स की जेरे निगरानी पॉलिसी साजी और फैसला साजी के वो जौहर सीखने को मिलते हैं जो आइंदा न सिर्फ YDF की प्रोफेशनल डेवलपमेंट बल्कि कौमी तरक्की में भी मौसर किरदार अदा करते हैं। जिनकी मंजिल आसमानों में है उन्हें अब उड़ान भरनी है, यही इस प्रोग्राम का खुलासा भी है और मकसद भी। मुझे बहुत फख्र है कि मैं एक यंग डेवलपमेंट फेलो की ग्रेजुएट हूँ।